हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी। फ्रेंड्स, असम राइफल्स के ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो चुके हैं और आज से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। वेबसाइट काफ़ी बिजी चल रही है, इसीलिए मैं बता दूं, आप लोग अपना फॉर्म मे बी आप रात में अपना फॉर्म फिलअप करें और आपको काफ़ी आसानी होगी फॉर्म फिल करने में, क्योंकि अभी साइट्स बहुत बिजी चल रही है और लोग इसमें फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लें। और फ्रेंड्स, एक नोटिफिकेशन आ रहा है और मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर, इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। इसमें बता रहे हैं कि क्लर्क और PA का जो ट्रेड टेस्ट है वो हमारे जस्ट फिज़िकल के बाद होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी पूछने वाला सवाल है ये और बहुत लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि क्या होगा, क्या क्लर्क PA का जो एग्ज़ाम हो, मतलब फिज़िकल होने के बाद जो एग्ज़ाम है उसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो साथों साथ हो जाएगा या नहीं होगा, या क्या होगा, सर बताइए। मैं ये वो इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन चल रही है। असल बात है, ये असम राइफल्स ने बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इसमें डाल दिया है और मैं जहाँ तक आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये इतना शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसमें यही लिखा है कि क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट ट्रेड स्किल टेस्ट ऑफ क्लर्क एंड पर्सनल असिस्टेंट्स विल बी कंडक्टेड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ PET एंड PST। इसका मतलब ये है कि आपके PET और PST मतलब फिजिकल होने के बाद आप लोगों का वहाँ पे स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप एक बात समझिए, आपका अगर फिजिकल कराने के बाद अगर ये आपका वहाँ पे स्किल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो उनको कितना टाइम लगने वाला है एक स्किल टेस्ट कराने में, आप समझ रहे हैं। आपको लगता है कि एक दिन में अगर वहाँ पे बच्चे 400 से 500 बच्चे अपना फिजिकल देते हैं और 400-500 बच्चों में से फिजिकल्स एटलीस्ट 300 बच्चे तो क्वालिफाई करेंगे ही, तो 300 बच्चों का ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट कराने के लिए असम राइफल्स इतना बड़ा इंतज़ाम कहाँ से करेगी। तो जहाँ तक दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसा कुछ भी क्लियर अभी तक नहीं किया गया है। मैं जहाँ तक अभी तक मैंने पता किया है तो ये असम राइफल ने समझाने की कुछ और कोशिश करी है यहाँ पर, लेकिन जो नोटिस में लिखा गया है उसके हिसाब से वहाँ पे कंडक्ट नहीं करा सकती असम राइफल्स, क्योंकि फिजिकल्स के बाद इतना टाइम नहीं होता है कि वो स्किल टेस्ट भी वहाँ पे करा ले। अब आ जाती है बात मेरे कुछ पॉइंट्स पे कि जो कि असम राइफल क्लर्क पर्सनल असिस्टेंट के जो स्किल टेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, नॉट ए कन्फर्म नोटिफिकेशन। ऐसा कोई कंफर्म नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि आपके फिज़िकल होने के बाद क्लर्क और PA की वहाँ पे स्किल टेस्ट को कराया जाए। और दूसरे पॉइंट में मैं ये भी बोलता हूँ आपको कि की प्रैक्टिस फॉर टाइपिंग, टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि टाइपिंग की प्रैक्टिस आप करते रहें, इस चीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि हो सकती है वैकेंसी 1-2 साल से नहीं आई है, 2 साल से आप लोगों की वैकेंसी नहीं आई है, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, वहाँ जाने के बाद कुछ नया देखने को मिले, तो इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे इस बार कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन मैं भी अभी आपको क्लियर नहीं कर सकता हूँ, हालाँकि जैसे ही मैं इस पर कन्फर्म होता हूँ तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा, लेकिन आप प्रैक्टिस टाइपिंग में करना स्टार्ट कर दें। तीसरा पॉइंट मेरा होगा एंड प्रैक्टिस फॉर फिज़िकल, फिज़िकल की तैयारी। जो भी मेरे भाई हैं असम राइफ़ल्स का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क से भर रहे हो, चाहे वो राइफ़ल मैन से भर रहे हो, आप लोग 5 किलोमीटर रेस की तैयारी करना शुरू कर दें, 5 किलोमीटर्स की तैयारी शुरू कर दें। आपके 1 दिसंबर से फिज़िकल स्टार्ट हैं, फिज़िकल को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। 5 किलोमीटर रेस के लिए आपको 24 मिनट टाइम दिया जाएगा और वही बच्चा क्वालिफाई करता है फिज़िकल जो प्रैक्टिस अच्छी करे।
तो ये तो रही बात आपकी फिजिकल की, और ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट टुडे, आज से आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग फॉर्म अपने भर दीजिए, वेबसाइट काफ़ी बिजी चल रही है, वेबसाइट की मेंटेनेंस भी चल रही है। आप अगर आप फॉर्म भरने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बता दूँ, आप रात 12 बजे के बाद आप वेबसाइट पे विजिट करिए और आपका फॉर्म इजीली फिलअप हो जाएगा। और साइट विल बी बिजी एंड प्रॉब्लम विल फेस, यस साइट अभी बहुत बिजी है क्योंकि साइट पे बहुत सारे बच्चे अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा दिन नहीं 3-4 दिन ही फेस करनी पड़ेगी। 3-4 दिन बाद साइट एकदम फ्रीली साइट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, साइट एकदम बढ़िया चलेगा। अब आ जाते हैं हम आपके छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट मेरा यही है, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं लाने वाला हूँ इसके ऊपर। एक तो आपकी ये जो कन्फ्यूजन है कि सर इस नोटिस का मतलब क्या है, कि जो कि क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट, तो मैं पता करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं असम राइफल्स में जो कि वो भी पता कर रहे हैं कि आखिरकार अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो मुझे भी एक बार क्लियर कर देंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहे। नेक्स्ट वीडियो आपके फिजिकल्स के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ कि आपके फिजिकल्स के सेंटर कैसे हैं, कैसा वहाँ का ट्रैक है, बैच कितने का बनेगा, कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे। और अभी आप लोगों को बस मैं इतना ही बोलूँगा कि बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएँ, खास करके जो बच्चे क्लर्क टाइपिंग के लिए, क्लर्क पर्सनल असिस्टेंट्स के लिए जा रहे हैं, वो अपनी टाइपिंग और अपना फिजिकल दोनों बना के रखें, क्योंकि आप लोगों को कभी भी कुछ भी करवाया जा सकता है। इसीलिए वेस्ट टाइम ना करें और मेरे चैनल पे बने रहें, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, थैंक्स, कीप सपोर्ट, जय हिंद, जय भारत।